Third ATM. Hello, Warshi Sharif here. Welcome back to my channel, guys. So, आज हम जा रहे हैं दुबई मॉल. इतनी खुशी मुझे आज तक. जो उस दिन गए थे वहाँ पे अच्छे से हमने अंदर का टूर नहीं किया था, तो अभी हम निकल रहे हैं दुबई मॉल के लिए. तो पता चलेगा, लेकिन हम जाएंगे गाइस आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए हम जा रहे हैं. ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी टाइम नहीं है. चलो आपको दुबई मेट्रो का ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ. दिस इज़ द थर्ड एटेम हम दुबई मॉल के लिए, तो चलो चलते हैं. अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेली हम दो बार आ चुके हैं, हमको अंदर एंट्री करने को नहीं मिला, लेकिन अभी तीसरी बार आए हैं, तो देखते हैं. शॉप में आएंगे, कुछ लेंगे इधर से, कॉफ़ी वॉफी लेके पकड़ के जाएंगे. बहुत लंबा है मेट्रो स्टेशन, 1.2 किलोमीटर समथिंग फार है. चल झूठा, तो हमको जाना पड़ेगा. कोई भी ले लो, कैपेचिनो ले लो. ये कॉफी गिर जाएगी जैसे मेरे फ्लाइट में गिरी, दूसरे के सीट पे पूरा कॉफी गिरा के आ गया था. बड़ा हरामी हो बेटा. और ये मेट्रो से दुबई मॉल तक का फुटपाथ व्यू है, चलो देखते हैं. दुबई मॉल पहुंच गए एक दो किलोमीटर चलने के बाद. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल. वन थिंग, अगर आप आ रहे हो तो दुबई मॉल में आपको फ्री में वाईफाई मिलेगा, सो कनेक्टेड एंड यूज करो जम के. नहीं फ्लोर हम नीचे आ चुके हैं, तीसरा फ्लोर है. एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और आगे कुछ और. कहना क्या चाहते हो? ये अमेजिंग वंडरफुल अंदर का व्यू देखते हुए हम पहुंचे, लेकिन संडे का दिन था तो बहुत भीड़ थी वहां पे, तो हम निकले और पहुंच गए फाउंटेन एरिया में, तो वहां पे भी बहुत भीड़ थी गाइस, तो हमको जगह नहीं मिली. फाउंटेन डालेगा तो फाउंटेन आगे जाना है. हाँ आगे जाना है, क्या फायदा. पूरा अंदर जा चुका है, बहुत रश थी गाइस, आप देख सकते हो कितना रश है. देख के नीचे mesmerizing dude, my god. ये है फाउंटेन एरिया का व्यू, चलो देखते हैं साथ में. शो देखना है तो सामने से देखना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैंने दूसरी जगह देखा और दूसरा व्यू पॉइंट पे गया, तो मिल गया फाइनली. और चलो देखते हैं फाउंटेन का शो साथ में.
दूसरा राउंड है एक्चुअली। सो एक एक घंटे के बाद ये फाउंटेन स्टार्ट होता है, तो अगर आप आ रहे हो तो जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वन आवर के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है, तो आप ऐसा मत सोचना कि बंद हो गया है, तो आप रुक सकते हो एक घंटे के लिए, तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। ये आप पे करके देख सकते हो, बहुत से भी देख सकते हो। फाउंटेन शो देखने के बाद हम निकले दुबई एक्वेरियम देखने के लिए। चलो देखते हैं साथ में, एक्वेरियम देखने जा रहे स्केटिंग एरिया थी और हमने ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल देखा। हमने कुछ भी खा के नहीं आए थे, एक कॉफी पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, इसलिए हम आए इधर फूड कोर्ट। फूड कोर्ट काफी ज्यादा ही भरा था, फिर हम हमारे बजट के हिसाब से हम KFC में गए। फिर KFC में अच्छा KFC बहुत तेज हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट के साथ KFC गए थे। फिर KFC वालों ने इतना बड़ा धोखा दिया, मैंने ज़िंदगी में ऐसा KFC कभी भी नहीं खाया, इतना बुरा क्वालिटी मैंने आज तक नहीं खाया।
ऐसा बर्गर तो मेरे घर पे अच्छा बनता है, पूरा जला हुआ दे दिया गाइस। उसे मुझे बहुत अफसोस हुआ ये केएफसी को खा के। मैंने सोच लिया आज से कभी भी दुबई का केएफसी नहीं खाऊंगा। अफसोस के साथ हम घर वापस आ गए। अच्छे फॉर टुडे ब्लॉग, थैंक यू।